और ये करीब मेरा हाथ का वजन होगा आपका वही 2-2.5। क्या बोलता रहे, सब कोई बोलता रहा ये कैसा हुआ, कोई बोलता रहा ये शैतान का बच्चा है, कोई बोलता रहा है इसको देख के कोई सामने नहीं आता रहा, डरता रहा। हम उनको इग्नोर कर देते हैं, जैसा आपका हाथ वैसा मेरा हाथ, हमको ऐसा लगता है ना जीवन से हम खुश हैं। मेरा नाम है कलीन और वही मेरा 13 साल हो रहा। 13-year-old Kaleem was born with an undiagnosed condition which has affected the growth of his hands. के बाद में डॉक्टर्स लोग था तो जन्म हुआ जब तब डॉक्टर लोग बोला ये बच्चा कैसा है, इसका हाथ बड़ा बड़ा है, इसका तो जन्म का है, इसका कोई ऐसा बीमारी नहीं है, कोई नहीं पकड़ पाए और मतलब कोई यहाँ कुछ इसका बोला इलाज ही नहीं। Kaleem's hands continued to grow throughout his childhood and many people tried to help with his condition. डॉक्टर दिखाए थे, ऑपरेशन भी वही सही नहीं हुआ। एक बार आया था कैमरा वाला तो 8 दिन कैमरा किया, वही सही नहीं हुआ, ऑपरेशन भी किया हुआ है पूरा। इसलिए वो अब दिमाग हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए वो बोलता हम जैसा है अपना जिंदगी में अच्छा है खुश है, हम आर ऑपरेशन नहीं कराएंगे। सिर्फ आपका कपड़ा पहनने में, टी शर्ट पहनने में होता और एक नहाने मतलब अच्छा से नहीं नहा पाते, थोड़ा रगड़ना पड़ता हाथ में, तो मम्मी रगड़ देती, फिर खाना खिला देती, चावल बनता है तो मम्मी खिला देती, नहीं तो रोटी हम अपने से खा लेते, खाली तोड़ के दे देती। With his hands now weighing approximately 2.5 kilograms each, Kaleem takes it all in his stride and doesn't let it affect his everyday life. क्या बोलता रहा, सब कोई बोलता रहा ये कैसा हुआ, कोई बोलता रहा ये शैतान का बच्चा है, कोई बोलता रहा है इसको देख के कोई सामने नहीं आता रहा, डरता रहा। हाँ सही है मेरा पैदा से, कोई का बच्चा डरता है देख के, बोलता है कैसा हो गया भाई, हम बोलते छोटे से नेचुरल, तो बड़ा ठीक है, हम उनको इग्नोर कर देते। Now proud of his condition, Kaleem has decided to embrace his hands and with the help of his uncle, he started posting on social media. कि Instagram पे रील्स लॉन्च हुआ, फिर हम लोग चले सोचे कि चलिए अब रील्स में बनाते हैं, अगर इसमें चला गया तो अच्छा है। फिर रील्स में 2-3 वीडियो मतलब बनाए तो उसमें हम लोग अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तब फिर हम भी बोले कि अच्छा है इसमें रिस्पॉन्स है, और कलीम भी बोला चलिए इसमें ही बनाते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें कितना जाता है। फिर धीरे धीरे बनाते रहे उसमें धीरे धीरे, फिर मतलब हम लोग एक जगह गए थे पार्क में, ठीक है, ज़्यादा इन्जॉय होता है इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में हमको इसलिए इन्जॉय होता है मेरा फॉलोअर बढ़ता है, एक लाइक आता है तो आदमी बोलता है बाबू मेहनत करो, कमेंट भाई आपका हाथ कैसा हुआ क्या हुआ बचपन से, तो बोलता हाँ भाई बचपन से, सब हाथ के बारे में पूछता है तो हम बोलते हैं भाई सब सही है, लाइव बात है तो थोड़ा हैंड दिखा देते जो जो नहीं देखा, और क्या बस। देखिए हम लोग कलीम से, कलीम मेरा भतीजा है, हम उसका अंकल है, हम लोग हमेशा इससे प्यार करते, ये भी हमेशा प्यार करता हम लोग से, मतलब कोई चीज़ का फीलिंग उस टाइप का नहीं है, इसके भविष्य के लिए हम लोग सोच के रखे जितना आगे से आगे जाए ये, हम लोग तो ऐसे इंस्टाग्राम में भी टिकटॉक में बहुत चाहने वाला, दुनिया पूरा दुनिया चाहने वाला इसको, उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे, देखिए कहाँ तक हम लोग जाते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलने आए हुए, जैसे आप देख रहे मैदान आए हुए, तो अब खाली छक्का और चौका का सिर्फ बरसात होने वाला है। जैसा है ठीक, हम लोग बोलते हैं आप जैसा भी है, अब कोशिश करने नहीं होता, हम लोग बोले आप जैसा है मेरा औलाद है ठीक है, अरे ऐसे ही रहे, हम अपना ज़िंदगी में बहुत खुश है, अल्लाह जैसा दिया हमको कोई टेंशन नहीं, हमसे काम हो जाता है, हर चीज़ तो हो जाता है, हमको क्या टेंशन है? बस और क्या, जैसा आपका हाथ वैसा मेरा हाथ, हमको ऐसा लगता है, कुछ नहीं सोचते, सिर्फ हम सोचते अपना मेहनत करते रहे और मेहनत में रही दिन रंग लाएगी।